प्रदेश के उतरे राम राज की कल्पना में नगाड़े बजाइए। बेटियों की लुटी इज्जत ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाक काट दी है। डरिए कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, योगी जी की शरण में रहते हैं। किस गली, किस मोहल्ले, किस शहर का नाम गिनाएं? यूपी की हर गली में दरिंदे घूम रहे हैं जो छोटी छोटी बच्चियों को पकड़ रहे हैं, उनका गैंग रेप कर रहे हैं और उन्हें मार देते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद योगी जी की पुलिस कार्रवाई का झुंझुना बजा देती है, रात के अंधेरे में बिटिया का अंतिम संस्कार कर देती है। बलरामपुर में बिटिया एक निजी कंपनी में काम करने गई थी, देर शाम तक वापस नहीं आई तो माता पिता ने पुलिस से शिकायत की। थोड़ी देर बाद लड़की रिक्शे पर बेसुध हालत में आती है, उसके हाथ में इंजेक्शन वाली सुई लगी होती है। परिजन लड़की को अस्पताल लेकर भागते हैं और बिटिया रास्ते में ही दम तोड़ देती है। पता चलता है 22 साल की लड़की को दरिंदे अगवा करते हैं, फिर उसको नशे का इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद गैंगरेप करते हैं। गैंगरेप से मन नहीं भरता, फिर शैतान बिटिया को बेरहमी से बुरी तरह पीटते हैं और बिटिया मर जाती है और योगी जी सुरक्षा की लकीर पीटते रह जाते हैं। जनपद बलरामपुर के थाना गैसली में एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें एक 22 वर्ष की लड़की है, जिसके परिजनों ने ये बताया कि वो लड़की एक प्राइवेट फर्म में काम करती है और कल वो जब फर्म में काम करने गई उसके बाद काफ़ी देर तक शाम को वापस नहीं आई, तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन लड़की से संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लड़की एक रिक्शे पर आई तो उसकी लड़की के हाथ में जो ग्लूकोज चढ़ाने वाला वीगो होता था वो लगा हुआ था और लड़की की हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी, तो उनके परिजनों ने लड़की को तुरंत हॉस्पिटल के लिए ले गए लेकिन रास्ते में ही लड़की की मृत्यु हो गई। तो परिजनों ने तहरीर में अपनी दो लड़कों को नामजद किया है और उनको बताया, उनके बारे में कहा है कि इन लड़कों ने किसी डॉक्टर के पास ले जा करके हमारी लड़की का इलाज कराया और लड़की के साथ हमारे बलात्कार किया और लड़की की जब हालत ख़राब हुई है तो उसको उन लोगों ने हॉस्पिटल ना ले जा करके उन्होंने घर पर वापस भेज दिया। तो इस प्रकरण में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो नामजद अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इसमें आगे छानबीन करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार करेगी और इनके खिलाफ कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई करेंगे और इसमें अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत इसकी विवेचना गुणवत्तापूर्वक होगी और जो भी इसके अंदर हम लोग साक्ष्य पाएंगे उसके आधार पर अच्छे से प्रोसिक्यूशन चला करके इसमें अभियुक्तों को सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आजमगढ़ में भी एक हैवान ने एक नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। पड़ोस में रहने वाले लड़के ने नाबालिग बच्ची से रेप किया। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में बिटिया दरिंदों के बीच में रह रही है। छेड़खानी करने वाले लड़कों की तस्वीर चौराहे पर टांगने का दावा करने वाले योगी जी इन दरिंदों को चौराहे पर कब फांसी देंगे या फिर बेटियों की उधड़ी लाश पर अपनी जख्मी सियासत की तुरपाई करते रहेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश दरिंदों के हाथों में है जो आपके कानून को अपनी जेब में रख के घूमते हैं। सोशल मीडिया पर 24 घंटे चौकन्ने रहने वाले योगी जी, ये बेटियां पूछ रही होंगी कि बाबरी मस्जिद के फैसले पर सत्यमेव जयते तो आपने लिख दिया लेकिन क्या गैंगरेप की बात पर मेरी हत्या पर कुछ लिखेंगे? बताएंगे कि दुनिया को कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है या फिर बेटियों की इज्जत की बोली लगाते रहेंगे, उनकी लाश पर पैसा फेंकते रहेंगे? बेटियों के बलात्कार के सवालों से घिरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेटियों को जवाब देने के लिए बगले झांक रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए दिगंटा। धन्यवाद।